हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक झारखंड चैनल पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं अपने मोबाइल से आपको बना के दिखाता हूँ कि इंस्टाग्राम का इंट्रो कैसे बनाते हैं अभी अपने मोबाइल से। इसके लिए आपको एक काइनमास्टर एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जो कि प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाते हैं। काइनमास्टर हो या पावर डायरेक्टर हो, आप जो भी एप्लीकेशन यूज करते होंगे वीडियो एडिटिंग के लिए, उससे भी हो जाएगा। मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे वहां से आपको बना के दिखाता हूँ कि इंस्टाग्राम का इंट्रो कैसे बनाते हैं, जो कि मेरे वीडियो में देखिए अभी आया वैसा इंस्टा। ऐसा लगाने से क्या होता है दोस्तों, इंस्टाग्राम का इंट्रो कि आप यदि इंस्टाग्राम यूज करते हैं और सामने वाला भी इंस्टाग्राम यूज करता है तो आपको इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकता है और इसे वीडियो में लगा देने से वीडियो का वीडियो का लुक चेंज हो जाता है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। कि अगर यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर यदि कुछ कहने का दिल करे तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कह दीजिएगा। गाली गुप्ता जो भी देना है आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको लेके जाता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। हाँ दोस्तों, देखिए तो मैं अब अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि कैसे आपको जो है सो अपने वीडियो के लिए इंस्टाग्राम का इंट्रो बनाते हैं। तो सिंपली आपको एक काइनमास्टर एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है जो कि मैं पहले से इंस्टॉल करके रखा हूँ, और आप नहीं इंस्टॉल किए तो प्ले स्टोर में आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए मैं प्ले स्टोर काइनमास्टर को सिंपली ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद में दोस्तों देखिए कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है। आपको सिंपली जो है सो प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, जैसे कि मैं कलेक्ट कर लिया हूँ, और इसके बाद में आपको इंपोर्टिंग प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है जो कि मैं कर लिया हूँ। तो इसके बाद में सिंपली दोस्तों आपको जो आपको क्या करना है, ये जो मीडिया ब्राउज़र है देखिए ऊपर में, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों जैसे आपने जो प्ले इंस्टाग्राम का जो इंट्रो है यदि डाउनलोड किए हैं तो ठीक है, नहीं तो ग्रीन स्क्रीन जो है सो बहुत आसानी से मिल सकता है। देखिए मैं डाउनलोड किया हुआ तो इसको ओपन कर सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद में यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में सिंपली दोस्तों आपको थोड़ा सा वीडियो को हाथ इसको बीच में कर लेना है, जैसे देखिए मैं कर लिया हूँ। उसके बाद में सीधा लेयर पे आपको क्लिक करना है, जो कि मैं आपको लेयर पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे लेयर पे क्लिक कर लिए, लेयर पे क्लिक करने के बाद में आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको जो इंस्टाग्राम का जो नेम है, जैसे आप जो यूजर नेम जो है अभी आपका, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे कि मेरा है कुलदीप 325 कुमार, तो मैं लिख लेता हूँ कुलदीप 325 AUMAR। देखिए दोस्तों मैं अब लिख लिया हूँ, सिंपली इसको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्तों इसको मैं यहाँ से यहाँ लेके आ गया। यहाँ लेके आ जाने के बाद में ये जो देखिए यहाँ से इसको थोड़ा इसको बराबरी में रख देना है दोस्तों। आपको बताता हूँ इसका टाइमिंग का जो है सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, टाइमिंग सेटिंग का। तो देखिए देखिए अब इसको क्या करना है कि आपको जो भी फ्रंट अच्छा लगता है आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि मेरे को ये फ्रंट अच्छा लगा तो मैं आप यहाँ से ये फ्रंट ले लिया हूँ। उसके बाद में दोस्तों को कलर सेलेक्ट करना है, जो कि ब्लैक रखने से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है देखने में। अब आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से मैं कर लिया हूँ। अब इसको क्या कर रहा है, जो साइड में शैडो दिख रहा है ना, इसको बंद कर देना है। देखिए शैडो में आ गया, शैडो को बंद कर देना है सिंपली। देखिए ज़्यादा देखिए दोस्तों और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा देखने में। अब इसको क्या करना है कि थोड़ा सा साइज को छोटा कर देना है, साइज को छोटा कर देना है ताकि पूरा पे दिखे। इतना भी छोटा मत कर दीजिएगा कि अब आज लोग देख नहीं पाए। अब इसको क्या करना है दोस्तों कि इसका टाइमिंग सेटिंग करना है। टाइमिंग कैसे सेटिंग है, जैसे ये देखिए ये जो है इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में देखिए स्लाइड राइट पर क्लिक करना है। हाँ, अब इसका टाइमिंग जो है सो 5 सेकेंड रखना है दोस्तों, 5 सेकेंड से ज़्यादा नहीं। जैसे देखिए 5 सेकेंड आ गया। अब मैं इसको क्लिक करके उसके बाद प्ले करके देखता हूँ कि कैसा ये बना है। देखिए ये आ गया। अब इसके बाद में इसको आउटपुट सेटिंग जो है सो ये भी करना है कि आप ये वीडियो को एंड में जाएगा कैसे। तो देखिए मैं आउटपुट वाला भी सेटिंग कर लेता हूँ, आउट एनिमेशन का, तो स्लाइड लेफ्ट। हाँ, अब इसका भी जो है सो टाइम जो है सो 5 सेकेंड 7 सेकेंड रखना है। ये देखिए जो कि मैं रख लिया हूँ। उसके बाद में आपको फिर से मैं प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए
अब थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि इसको थोड़ा ये साइज़ को कम करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं देखता हूँ प्ले करके कि अब कैसा बना है। वो थोड़ा ज़्यादा थोड़ा पहले हो गया, थोड़ा और बढ़ा लेना है। तो दोस्तों आप टाइमिंग को अपने हिसाब से सेटिंग कर लीजिएगा। ये इंट्रो बन के तैयार हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको यहाँ से सिंपली अब ऊपर वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है, जो कि एरो वाला निशान है उस पर क्लिक कर लेना है। ये वीडियो को अब यहाँ से सेव कर लेना है। तो सेव करने के लिए दोस्तों फिर से आपको ये ग्रीन वाला जो बनाए हैं वहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और सिंपली आपको शेयर वाला बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में सेव वीडियो टू गैलरी, अब इसको क्लिक कर लेने के बाद में आपका जो है सो वीडियो सेव हो जाएगा गैलरी में। अब मैं अगले वीडियो में बना के आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसको लगाते कैसे हैं अपने वीडियो में। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। और आपको वीडियो से कुछ सीख मिली होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, अभी तक मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।